पांड्या प्रयागराज से, जहां धनुपुर ब्लॉक की ग्राम सभा खमरिया में आजादी के कई दशक के बाद भी आज तक इस गांव में एक भी विद्यालय नहीं बन पाया है, जिससे गांव के नौनिहाल दूर कीचड़ युक्त रास्ते में विद्यालय जाने को विवश हो रहे हैं। गांव के बड़े बुजुर्ग मांग भी किए, लेकिन जिम्मेदार लोग अनसुना कर दिया, जिससे बच्चों में निराशा है। हांडिया तहसील के अंतर्गत धनुपुर ब्लॉक की ग्राम सभा खमरिया में कोड़ीपुर और श्रीपुर दो मजरे हैं। इस गांव की आबादी लगभग 5000 है और लगभग 1300 मतदाता हैं। कुर्मी बाहुल्य गांव में आजादी के बाद से आज तक एक भी विद्यालय नहीं है। देखा जाए तो गांव में लगभग 200 ऐसे बच्चे हैं जो दूर विद्यालय जाने को विवश हैं। गांव के जनप्रतिनिधियों के अलावा बड़े बुजुर्ग भी शिक्षा विभाग के अफसरों से विद्यालय बनने के लिए कई बार मांग किए, लेकिन उनकी मांग को अनसुना कर दिया गया। इस बात को लेकर शुक्रवार को गांव के बच्चों के साथ बड़े बुजुर्गों ने गांव में विद्यालय न बनने से क्षुब्ध होकर शिक्षा विभाग के अफसरों के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से गांव में एक आदत विद्यालय बनने की मांग की है। जी का नाम श्री हरीश चंद्र पटेल, मेरे माता का नाम है श्रीमती उषा देवी पटेल, मैं 7 क्लास में पढ़ता हूँ। 7 क्लास मेरे स्कूल है डिहोटा, स्कूल जाने में बहुत कचड़ा रहता है, सही रोड नहीं बनी है। आपके गांव में स्कूल नहीं है? नहीं, मेरे गांव में स्कूल नहीं है। कई मजरे हैं आपके गांव में? 3 ग्राम सभा। कौन कौन गांव? कोड़ीपुर, श्रीपुर, खमरिया। इस तीनों गांव में एक भी विद्यालय नहीं? नहीं। मेरा पिता का नाम है श्री केंद्र पटेल, माता का नाम है सुनीता देवी। सर मेरे गांव में कोई स्कूल? कहीं में पढ़ते हो? सर 7th में पढ़ते हैं। कहाँ जाते हो? सर डिहोटा जाते हैं। आपके गांव में स्कूल नहीं है? नहीं सर, कोई स्कूल नहीं है। क्या दिक्कत होती है इतनी दूर जाने में? सर दिक्कत होती है हम लोगों को पैदल आने जाने में, और रास्ता भी सर खराब है, कीचड़ा रहते हैं, इससे हम लोगों को कोई दिक्कत होती है बहुत। मैं रविकांत, मेरे पिता का नाम है श्याम बाबू, मेरे माता का नाम है श्रीमती गुड़िया देवी पटेल। किस गांव के रहने वाले? कोड़ीपुर। इस गांव में स्कूल है कि नहीं? नो, कोई स्कूल नहीं है। कोई स्कूल नहीं। कहाँ पढ़ने जाते हो? डिहोटा। कितना दूर है? कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से होगा लगभग 1.5 किलोमीटर। और अगल बगल कोई विद्यालय? नो। आपके यहाँ के सब बच्चे जाते हैं वहाँ पढ़ने? कभी आपके गांव के बड़े बुजुर्ग मांग किए हैं कि नहीं विद्यालय बनने के लिए? कई बार किए हैं। नहीं बना? नहीं। क्या नाम है आपका? केदारनाथ। ये कौन सा गांव है? कोड़ीपुर। इस गांव में जैसे बच्चों को बहुत सारी समस्याएं होती हैं, इस गांव में विद्यालय नहीं है, तो इसके लिए क्या कभी विद्यालय गाँव के लोग विद्यालय की मांग किए हैं? मांग किए हैं सरकार, मांग किए हैं, मगर नहीं बन पाए। किससे मांग किए थे, कब मांग किए थे? मांग किए कहिए से मांग गई, कहन का कहन की स्कूल बनी बात है, डिहोटा में स्कूल न बने। डिहोटा तो दूसरे गांव का है? हाँ, तो आपके गांव में 3 गांव है? हमारे गांव 3 गांव, एक का गांव नहीं बन पाए। आबादी कितनी है यहाँ की? अरे कम से कम 14-15 से यहाँ हैं। कुल पढ़ने वाले बच्चे नौनिहाल कितने होंगे लगभग? अब इतना बताए बाग हमने पता ही है, 400 लड़के जाते, 100-150 बच्चे होंगे। हाँ, और जाते और जाते कम से कम 500 लड़के जाते। ये कब आप लोग मांग किए थे विद्यालय की? एक तो मांग के कहिए जो बात है, 4 साल हो हुआ, 5 साल हो हुआ। तो ये आपसे कौन कहा कि बगल में विद्यालय है, आपके यहाँ नहीं बन पाएगा? ये सरकार आ रही है तो कहाँ विद्यालय बांटा, विद्यालय नहीं बन पाए। नहीं, कोई अधिकारी कहे होंगे? हाँ अधिकारी कहे। कौन कहे थे? अब एक ना बताए।